मैथ्स विद शिवांगी नागर। सो अब हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 सेज, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ द हाइट 1 मीटर विद द बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। यहाँ पे हमको एक मेटल शीट दिया हुआ है, ठीक है। उस मेटल शीट को हमें क्या करना है, हमें फोल्ड करके हमें उसका एक सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्म करना है, और उसका मेजरमेंट हमको दिया हुआ है। व्हाट आर द मेजरमेंट्स, दैट द हाइट शुड बी ऑफ 1 मीटर, ओके, एंड द जो बेस का जो डायमीटर होना चाहिए, बेस कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 140 सेंटीमीटर। बट हेयर द हाइट इज गिवन इन द मीटर एंड द डायमीटर इज गिवन इन वॉट, इट इज गिवन इन द सेंटीमीटर। तो आइदर कन्वर्ट द हाइट into centimeter or the diameter into meter. So what I am doing here, I am converting this height into centimeter. So 1 meter is equals to 100 centimeter, right? So what is the height of my cylindrical tank here? 100 centimeter. And base of the radius of the cylindrical tank, agar diameter 140 hai, right? So aapka radius kya ho jayega? So 140 upon 2, that is 70 centimeter. Now, अब जो हमें मेटल शीट है उससे जो हमें फॉर्म करना है हमारा क्या सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो शीट तो कैसी आएगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगी, राइट। उसको आप कट करेंगे एंड देन उसको फोल्ड करेंगे, राइट। तो यानी कि जो सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, टोटल सर्फेस एरिया चाहिए, क्योंकि पूरा टैंक फॉर्म करना है। सो हेयर यू वॉन्ट वॉट द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप टैंक। तो वट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वॉट, 2πr इंटू आर प्लस H, ये सारी चीजें आपको चाहिए, है ना। तो R भी आपके पास है, H भी आपके पास है। नाउ जस्ट पुट दी वैल्यूज ओवर हियर। सो 2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 70 इनटू R प्लस H, R प्लस H इज व्हाट, हाइट इज 100 एंड रेडियस इज 70। I have put all the values. Cancel this 7 with 70 how many times, 10 times. जब आप 10 times cancel कर देंगे, अब further solve करेंगे, तो what you will be getting here, 2 into 22 into 10 into 100 plus 70 is what, 170. Now इससे जो आपके पास पूरा डेटा आएगा, ठीक है, ये पूरा डेटा आपके पास किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आएगा, राइट। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में डेटा आने वाला है, बट हमें यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं और हमें पूछा हुआ है कि स्क्वायर मीटर्स में कितना होना चाहिए, सो दैट वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, सॉरी, 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 meter square। तो यहाँ से हमारे पास जो पूरा डेटा आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, बट हमें अगर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो हमें इस पूरे एंटायर डेटा को किससे डिवाइड करना होगा, 10,000 से। सो 2 into 22 into 10 into 170 whole upon 1, 2, 3, 4 times 0, 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। सो 2 into 22 इज वॉट, 44 into 17 upon 100. Now 44 into 17 gives you what? 74 times 28. 28 and 4. Actually it is 34. Carry over 3 and 7. 748. So 748 upon 100. And 748 upon 100 gives you what? It gives you 74.8 meter square. So this is your final answer, that this much, 74.8 meter square of the sheet you are required to form this type of tank. Okay, so this is what all about the question number 2. I hope you like it. If you like it, then please like it my video.